ज्योति और आपका स्वागत है कुछ आप टुडे लाइव न्यूज चैनल में। आइए करते कुछ मुख्य खबरों की शुरुआत। अवैध उत्खनन करने वाले 6 ट्रैक्टर ट्राली को टिमनी पुलिस ने किया जब्त। टिमनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक हरदा मनीष कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह बर्धमान, एसडीओपी पूजा पटेल। अनुभाग टिमनी के निर्देशन दिनांक 17/5/2022 थाना टिमनी की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई में कुल 6 ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर कार्रवाई की गई। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली कब्जा पुलिस लेकर आरोपी के विरुद्ध थाना टिमंडी में क्रमश अपराध क्रमांक 1 308/22, क्रमांक 2 310/22, क्रमांक 3 311/22, क्रमांक 4 312/22, क्रमांक 5 313/22, क्रमांक 6 314/22, धारा 379 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील पटेल, सौनी देवराज महाजन, प्रधान आरक्षक नीलेश तिवारी, प्रधान आरक्षक चंदन साह, प्रधान आरक्षक सतीश, प्रधान आरक्षक प्रदीप रघुवंशी, प्रधान आरक्षक शंकर, आरक्षक विजय आर महेंद्र रघुवंशी, आरक्षक राकेश सैनिक, धनसिंह नानूराम का योगदान रहा। लगातार जो है अवैध उत्खनन के संबंध में, रेत चोरी के संबंध में सूचनाएं मिल रही थी, चूँकि करनाला क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर और सारी चीज़ें जो पता चल रही थी उनके आधार पर आज रात्रि में ग्राम गोंदा गांव में रेड की गई थी, जिसमें अवैध रेत उत्खनन करते और रेत चोरी करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए थे, जिनको थाने पर लाकर विधिवत सभी प्रकरणों में मुकदमा कायम किया गया है। सभी प्रकरणों में से 6 में से 5 जो आरोपी हैं वो ग्राम रामगढ़ थाना शिवपुर जिला होशंगाबाद के रहने वाले हैं। एक अन्य जो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई वो ग्राम नया गाँव निवासी थे। देखते रहिए कुछ आप लाइव न्यूज चैनल, आगे की खबर जारी रहेगी।